everyone, welcome to Catalyst YouTube channel. My name is Dr. Sama Shukla and I am PhD from CSIR CMAP. आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे टॉपिक से बारे में जो 17 फरवरी वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं. देखिए, CSIR नेट का सिलेबस अगर आप देखें तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट जो टॉपिक्स मैंने आज आपके लिए चूज़ करे हैं, इन टॉपिक्स को आपको ज़रूर से प्रिपेयर करना है अगर आप 17 फरवरी वाले एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं तो, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं, सभी यूनिट से मैंने लिए हैं, जिनसे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. तो मेक श्योर ये टॉपिक्स आप वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा और इनको ज़रूर से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपको 100% एग्जाम में मिलने वाले हैं. ठीक है, देखिए, अगर अगर आप लास्ट टाइम के एग्जाम को देखें तो अभी जो पेपर है आपका वो दो शिफ्ट में होने लगा है. इनिशियली आपका पेपर एक शिफ्ट में होता था, तो अभी दो शिफ्ट में होने की वजह से जो कवरेज है ना क्वेश्चंस का, जो जो है ना टॉपिक्स का कवरेज है क्वेश्चंस के लिए, वो थोड़ा सा ज़्यादा है. तो अभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, है ना, टॉपिक्स को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना होगा. तो यहाँ पर मैंने यूनिट्स वाइज कुछ टॉपिक लिए हैं. देखिए, सबसे पहले यूनिट जो आपके सिलेबस में है, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं आपके जिनसे क्वेश्चंस आपको बहुत फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में मिलते हैं. लाइक अगर आप अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो कई बार आपको बहुत सिंपल क्वेश्चंस 2 मार्क्स के या कई बार 4 मार्क्स के स्टेटमेंट में आपको ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं. रामाचंद्रन प्लॉट बहुत फेवरेट है, DBT, गेट, CSIR, कोई भी एग्जाम आपका बिना रामाचंद्रन प्लॉट के नहीं बनता है. एंजाइम काइनेटिक्स अगेन बायोकेमिस्ट्री का बहुत फेवरेट एरिया है, चाहे एंजाइम काइनेटिक्स में आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की रिलेशनशिप देखें, मिकेलिस मेंटन ग्राफ की बात करें, इनहिबिटर के कॉन्सेप्ट की बात करें, एंजाइम के रेगुलेशन की बात करें, ये सारी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं. कोई भी, अगेन मैं बोलूँगी कि कोई पेपर आपका बिना एंजाइम काइनेटिक्स के, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो या कोई न्यूमेरिकल हो या कोई ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो, जरूर से तो एंजाइम काइनेटिक्स को फ्रॉम टिप टू बॉटम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्वेश्चन जरूर आपको मिलने हैं. नेक्स्ट मैं बोलूँ, ये भी जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ के कैट एंड केम, ये भी एंजाइम काइनेटिक्स का है, बट इस पे भी स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो 17-18 इधर रीसेंट ईयर में इस पे भी आपको न्यूमेरिकल मिल जाते हैं बहुत बढ़िया वाले, तो ये टॉपिक भी आपको रिवाइज करना है. प्लस अगर आप हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस देखें तो ये भी आपको थ्योरेटिकल ग्राफिकल क्वेश्चंस इधर रिसेंटली अगर आप देखें तो 4 नंबर में आराम से आपको हर साल हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा. तो बायोकेमिस्ट्री के ये 5 टॉपिक्स हैं जिनको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. 100% चांसेस हैं कि इन एरिया से आपको 10 मार्क्स के अराउंड या आराम से, है ना, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर इन सभी टॉपिक से मिल जाएंगे. ये सारे स्पेशली एंजाइम काइनेटिक्स में बात करूं और प्रोटीन केमिस्ट्री की, इन दो को तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे, यूनिट 2 एंड 4 जिसको, है ना, कंबाइन हम लोग सेल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन का है आपका, सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग, कई सारे टॉपिक्स आपके हैं, है ना, यूनिट 2 एंड 4 को, है ना, इन्वॉल्व होती है इस यूनिट में. तो इसमें अगर आप देखें तो अगेन बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके, बट यहाँ पे भी अगर आप कुछ टॉपिक्स को देखें और PYQs को आप एनालाइज करें तो कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे हैं, लाइक जो सेल साइकिल रेगुलेशन की कॉन्सेप्ट है, सेल साइकिल प्लस इसका रेगुलेशन, जो CDKC कॉन्सेप्ट है, G1 साइक्लिन, M साइक्लिन, S साइक्लिन, कौन से आपके CDC25 फॉस्फेटेज क्या कर रहा है, V1 काइनेज क्या कर रहा है, या किसी को हम म्यूटेट कर दे रहे हैं, है ना, तो कौन सी सेल किस फेज में रह जा रही है, तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके, क्वालिटी क्वेश्चंस इसके रेगुलेशन पे बेस डिज़ाइन किए जाते हैं. नेक्स्ट आपका है सेल सिग्नलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आपका सेल बायोलॉजी में, इससे भी क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलते हैं, चाहे आप GPCR की बात करें, RTKs की बात करें, तो इन पे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको 2 या 4 मार्क्स के ज़रूर से मिल जाएंगे. तो ये दो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. इसके अलावा अभी रीसेंट ईयर्स में अगर आप देखें 4 से 5 ईयर्स के पेपर्स को अगर आप एनालाइज करें, या लास्ट 4-5 पेपर्स को अगर आप एनालाइज करें, तो पहले भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके आते थे, बट रिसेंटली अभी मतलब श्योर है प्रोटीन शॉर्टिंग से, जो प्रोटीन ट्रैफिकिंग एंड शॉर्टिंग के नाम से आपका चैप्टर है, जहां पे सेलुलर ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, कोई भी प्रोटीन आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर आपकी, है ना, लाइसोसोम में, पेरोक्सिसोम में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही है, वेसिकल बेस्ड ट्रांसपोर्ट है ना या लिगेंड बेस्ड ट्रांसपोर्ट है, तो इस पे आपको जरूर 4 नंबर में क्वेश्चन हर बार आ रहा है, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर में, लेकिन इसको भी बहुत अच्छे से आपको करना है. अगर ये पूरा चैप्टर आपने कर लिया, ज़रूर 1-4 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलना है. इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, है ना, इस पे भी क्वेश्चंस आपके सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कभी मैचिंग वर्ड में, कभी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, तो ECM भी आपको इस पार्ट में
करना है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको केवल इन्हीं टॉपिक्स को करके जाना है, प्लीज टू बी वेरी क्लियर, आपको इनको जरूर से कवर करना है। इनके साथ साथ जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो सब भी आप रिवाइज करेंगे, बट जो टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ उन टॉपिक्स को आपको जरूर पढ़ना है, उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए यूनिट थ्री, यूनिट थ्री जो कि आपकी मॉलिकुलर बायोलॉजी के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, ठीक है, मॉलिकुलर बायोलॉजी, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, रेप्लिकेशन का चैप्टर है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, स्प्लाइसिंग है ना, रेगुलेशन है, बट इसमें भी अगर आप PYQs को एनालाइज करें, आप देखें है ना प्रॉपर, तो यहाँ पे भी अगेन कुछ टॉपिक्स आपको मिलेंगे लाइक क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है ना, इस पे क्वेश्चंस रिसेंटली अभी एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्लस नेक्स्ट टॉपिक है आपका DNA रेप्लिकेशन मशीनरी, जहाँ पे इसकी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, लीडिंग लैगिंग स्टैंड की है ना मशीनरी, आपकी जितने भी रेप्लिकेटिव एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, DNA पॉल है, लाइगेज है ना, SSP है, हेलिकेज है, इन सब की जो कॉन्सेप्ट है, जो पूरी मशीनरी आपकी इन्वॉल्व होती है, इस पे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। इसके अलावा स्प्लाइसिंग भी अभी हॉट टॉपिक बना है, इस पे भी क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स से समटाइम्स 2 मार्क्स में मिल जाते हैं, तो ये टॉपिक भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। रेगुलेटरी आरएनएस, आरएनए इंटरफेरेंस की जो कॉन्सेप्ट आपकी, siRNA, miRNA, इन सब पे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, बढ़िया क्वालिटी वाले क्वेश्चंस, तो ये टॉपिक भी आप मॉलिकुलर बायोलॉजी सेक्शन से जरूर प्रिपेयर करेंगे। ओपेरॉन जो ऑल टाइम फेवरेट है, CSIR गेट DBT में बोलूंगी, किसी भी एग्जाम में आपको लैक ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन, इन सब से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस मिलते हैं, कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस, कुछ आपके स्ट्रेट नॉलेज वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये टॉपिक तो आपका श्योर है हर एग्जाम के लिए। अगर GRF के प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो ओपेरॉन मॉडल, एंजाइम काइनेटिक्स, ये सब बड़े फ्रीक्वेंट टॉपिक हैं जिनको आप हमेशा प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपके हो गए मॉलिकुलर बायोलॉजी के। नेक्स्ट यूनिट देखिएगा यूनिट 5 है, ठीक है, जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के नाम से है आपके सिलेबस में, इसमें भी अगेन कुछ टॉपिक्स को वो हिट करते हैं, ठीक है। जो पहला टॉपिक मैंने इसमें रखा है ये सेल स्पेसिफिकेशन का है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको आइडिया होगा ना, 3 तरीके की टाइपोलॉजी हम लोग ऑटोनॉमस, कंडीशनल और सिंसाइटल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो इस पे भी खूब अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन डिजाइन करके हर बार, अभी लास्ट टाइम का भी पेपर आप देखें तो चाहे मॉर्निंग शिफ्ट हो या इवनिंग शिफ्ट हो, हर शिफ्ट में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन कभी 2 मार्क्स में, कभी 4 मार्क्स में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट ड्रोसोफिला फेवरेट टॉपिक है CSIR का, कोई पेपर बिना ड्रोसोफिला के डेवलपमेंटल जो एक्सिस फॉर्मेशन है ना, चाहे एंटीरियर पोस्टीरियर पैटर्निंग की हम बात करें, डोसल वेंट्रल पैटर्निंग की बात करें, खूब क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स के भी, 2 मार्क्स के भी, बाइकॉयड, हंचबैक, खूब पूछा आता है आपके एग्जाम में, सारे जितने भी जीन्स इसके इसमें पैटर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं खूब पूछा आता है आपके एग्जाम में, तो बहुत अच्छे से पूरा ड्रोसोफिला का सारी चीज़ें पूरी है ना टिप टू बॉटम मेमोराइज कर लीजिए। नेक्स्ट सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस, सी एलिगेंस, इस पे भी 2 कॉन्सेप्ट आपकी पूछी जाती है बहुत फ्रीक्वेंटली, जो इसका सेल डेथ पाथवे है ना, CD9 CD3 कैसे एक दूसरे को इनहिबिट या है ना प्रमोट कर रहे हैं, तो जो सेल डेथ पाथवे इसका है, प्लस जो वल्वल इंडक्शन है वो भी आपके एग्जाम में पूछा आता है, तो सी एलिगेंस को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए अगर आप फोकस कर रहे हैं CSIR वाला 17 फेब का एग्जाम। प्लस एम्फीबियन डेवलपमेंट पे भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और अभी जैसे मैंने पहले भी बोला कि चूंकि अभी आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में हो रहा है और आपको नहीं पता है कि आप मॉर्निंग शिफ्ट में होने जा रहे हैं या फिर आपका इवनिंग शिफ्ट में होने जा रहा है, तो 2 पेपर चूंकि बनेगा, तो इस वजह से मैंने बोला ना कि अभी एक ही क्वेश्चन तो वो पार्ट जो है Shift 1 और Shift 2 में डाल नहीं देंगे, क्वेश्चंस अलग अलग होंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा एरिया आपका और बढ़ गया है ना, टॉपिक्स वो ज़्यादा कवर कर रहे हैं 2 शिफ्ट में पेपर होने की वजह से, तो थोड़ा सा चीज़ें आपको और उस तरीके से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ABC मॉडल, जो कि प्लांट डेवलपमेंट से कनेक्टेड है, इस पे भी क्वेश्चंस आपके मिलते हैं कि लाइक आपने ए में म्यूटेशन कर दिया, बी में कर दिया, या जीन सी में कर दिया, तो किस तरीके के फ्लोरल ऑर्गन डेवलप होंगे, तो ABC मॉडल भी आपका ऑल टाइम फेवरेट है, इस पे भी क्वेश्चंस आपको समटाइम्स 2 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में मिल जाते हैं, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी पोर्शन में इतने चीज़ों को अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 2 मार्क्स में भी और 4 मार्क्स में भी। नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं यूनिट 6 प्लांट फिजियोलॉजी, अगेन 35 से 40 मार्क्स से आपके एग्जाम में आती है, काफ़ी स्कोर इससे भी आप करते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ टॉपिक्स आपके हैं, ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी, लेकिन कुछ टॉपिक्स अगेन इसमें हैं जिनको आप ज़रूर से प्रिपेयर करिएगा। पहला टॉपिक मैंने लिया है प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन में हर प्लांट हार्मोन की जो बायोसिंथेसिस और इसका सिग्नलिंग एस्पेक्ट, ये दोनों चीज़ें खूब पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, ठीक
ठीक है, स्पेशली सिग्नलिंग से तो हर बार क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, कभी डेला रिप्रेसर की सिग्नलिंग से, कभी ऑक्सिन की ऑक्स आई ए वाली कॉन्सेप्ट से, कभी सी टी आर वन रिसेप्टर आपका साइटोकाइन का, कभी ई टी आर वन रिसेप्टर आपका इथाइलिन का, या कभी ए बी ए की, तो सिग्नलिंग खूब पूछी जाती है आपके एग्जाम में। प्लस जिब्रेलिक एसिड के बायोसिंथेसिस, इन सब के बायोसिंथेसिस पाथवे से भी कभी कभी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, इनफैक्ट मिलते ही हैं 2 मार्क्स में भी। तो ये दो चीज़ें आपको प्लांट हार्मोन के केस में प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो है आपका, ये मैंने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से लिया है, जिसमें C2 साइकिल पे, अभी आप 3 to 4 ईयर्स के पेपर्स की लास्ट देखें तो ऑक्सीडेटिव जो आपकी C2 साइकिल है, जहाँ पे हम लोग फोटो एक्सप्रेशन की बात करते हैं, उसको खूब पूछा आता है आपके एग्जाम में, फॉस्फोग्लाइकोलेट जो प्रोडक्ट बनता है। तो ये आपका 3 सेल ऑर्गेनेल कभी पूछ लेंगे कि सीरीन कहाँ पे बन रहा है, ग्लाइसिन कहाँ पे बन रहा है, इस तरीके का। प्लस C3 C4 और कैम का कंपैरेटिव एनालिसिस, कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं C2 पे फर्क पड़ रहा है, C3 पे फर्क पड़ रहा है, या CO2 बढ़ा रहे हैं तो किस पे फर्क पड़ रहा है, या इनकी मैकेनिज्म सिंपली कि कहाँ पे आपकी मेसोफिल सेल इन्वॉल्व है, कहाँ पे बंडल शीट सेल इन्वॉल्व है। तो ये तीनों चारों जो आपके मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, C2 C3 C4 एंड कैम मेटाबॉलिज्म पाथवे, इन चारों पे क्वेश्चंस आपको जरूर से मिलते हैं एग्जाम में, तो इनको भी बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। प्लस फाइटोक्रोम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, स्पेशली फाइटोक्रोम की सिग्नलिंग से भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो इनको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नाइट्रोजन अपटेक एंड एसिमिलेशन, इसमें डेप्थ में जाके नाइट्रोजन फिक्सेशन के कॉन्सेप्ट पे कई बार आपको सिंपली बैक्टीरिया पूछ लिया जाता है कि कौन सा एसोसिएशन है इसमें, है ना, आपको एक कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है। समटाइम्स आपको नॉट फैक्टर के लेवल पे जाके, नॉट जीन या नॉट फैक्टर के लेवल पे जाके, या नाइट्रोजिनेज एंजाइम के ऑक्सीजन की ससेप्टेबिलिटी से पूछ लेते हैं, मतलब पूरा डिटेल। नाइट्रोजन फिक्सेशन का चैप्टर भी आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, रिसेंट पेपर्स को अगर आप देखें तो इस पर भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। प्लस सेकेंडरी मेटाबोलाइट की एटलीस्ट जो तीनों वेराइटी है आपकी, उनके जो पाथवेज हैं, कैसे वो सेंसाइज होते हैं, कौन सा मेवेलोनिक से हो रहा है, कौन सा सिकिमिक एसिड से हो रहा है, तो ये सब भी आप इसमें कर लेंगे, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स या 4 मार्क्स बेस्ड बनते हैं। तो इतने टॉपिक्स आपके प्लांट फिजियोलॉजी पोर्शन से हो जाएंगे, जिनको बहुत अच्छे से आपको कवर करना है, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाइएगा, छोड़ के जाएंगे तो ज़रूर पछताएंगे, आई एम श्योर ज़रूर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इन वीडियोस को पॉज करते जाइएगा और टॉपिक्स को नोट करते जाइएगा, जरूर से इनको प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका एनिमल फिजियोलॉजी का पोर्शन है, यहाँ पे देखिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से आपके कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हिट करते हैं वो लोग, ECG की कॉन्सेप्ट है आपकी, प्लस कार्डियक साइकिल में आपको, है ना, ग्राफ बेस्ड अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन मिलते हैं, प्लस ECG का प्रिंसिपल, इसका सिग्निफिकेंस, ये भी पूछा आता है आपके एग्जाम में। हॉर्मोन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और हॉर्मोन्स से रिलेटेड डिजीज बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, अगेन 2-4 मार्क्स दोनों में आपको मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये पार्ट भी आपको प्रिपेयर करना है। प्लस सेंस ऑर्गन्स, ये पार्ट से भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। फिर अगर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखें तो यहाँ पे भी कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि इनसे भी फ्रीक्वेंटली आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं। नेक्स्ट यूनिट की बात करें, जो जिसको आप लोग जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, ये भी बहुत फेवरेट यूनिट है आपकी, 40 मार्क्स से ज़्यादा ही क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जेनेटिक्स से भी। इसमें भी अगेन कुछ एरियाज हैं जो आप ज़रूर से कवर करना चाहिए आपको, है ना। फर्स्ट तो पेडिग्री एनालिसिस, अगेन लाइक एंजाइम काइनेटिक्स फॉर बायोकेमिस्ट्री, पेडिग्री एनालिसिस इज फॉर जेनेटिक्स, बिना पेडिग्री के जेनेटिक्स कंप्लीट नहीं है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का 2 नंबर का जरूर मिलना है आपको, है ना। तो पेडिग्री चारों टाइप की जो आपकी है बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्लस पेडिग्री बेस्ड मार्कर वाले जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, है ना, उनको भी अच्छे से सॉल्व करिएगा, पढ़िएगा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट लिंकेज मैपिंग, ये भी ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है CSIR का, हमेशा 2 या 4 मार्क्स में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। डिलीशन मैपिंग, जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है बट इस पे भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो इसको भी आपको प्रिपेयर करना है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे भी कई सारे क्वेश्चंस आप अगर PYQs देखें तो इसको भी बहुत हिट करते हैं हमेशा, वो छोटी सी कॉन्सेप्ट है, इसको भी अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट जेनेटिक मार्कर की जो मैंने बात करी, इस पे भी बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चंस, है ना, जेल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो ये टॉपिक भी आप कवर करेंगे। नेक्स्ट जीन इंटरेक्शन, अगर हम लोग सिंपल बात करें मेंडेलियन जेनेटिक्स की, तो वहाँ पे जीन इंटरेक्शन बेस्ड भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है या एपिस्टेसिस है, आपको रेशियो दे दिया गया, आपको, है ना, पनेट स्क्वायर बनाने से पूछ लिया गया कि कितना फ्रीक्वेंसी आपकी पर्टिकुलर करेक्टर की आपको देखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि अलग अलग जीन इंटरेक्शन में आपके अलग अलग रेशियोज निकल के आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको, इससे भी एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है हर बार।
प्लस क्रोमोसोमल एबरेशन है, ये भी छोटा सा टॉपिक है बट बहुत फेवरेट है सीएसआईआर का। पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है, डिलीशन है, एन्यूप्लाइडी है, इन सब पे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। जेनेटिक्स ऐसा टॉपिक है, एक बार आपने पढ़ लिया, बार बार आपको रिवाइज नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर लेंगे। तो इन टॉपिक्स को जेनेटिक्स यूनिट में ज़रूर से कवर करिएगा। नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे जो आपकी इकोलॉजी और इवोल्यूशन कैटर करती है, यूनिट 10 और 11, ठीक है। इन दोनों के टॉपिक्स मैंने साथ में लिखा है। फर्स्ट देखिए, ये भी आपकी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट होती है, इकोलॉजी इवोल्यूशन को मिला के अगर हम लोग बात करें तो मोर देन 70-60+ मार्क्स के क्वेश्चन ही आपके बनते हैं इन यूनिट से। तो ये यूनिट तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और जो टॉपिक्स मैंने इनसे लिए हैं इनको तो आपको ज़रूर से पढ़ के जाना है। पहला टॉपिक मैंने लिया है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, इस पर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, स्टेटमेंट्स, सब तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन सर्वाइवरशिप कर्व, इसको भी अगर आप PYQ से एनालाइज करेंगे तो इस पर भी आराम से वो 4 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, कौन सा सर्वाइवरशिप कर्व है, या एनिमल देके पूछ लिया आपको, है ना, ऑर्गेनिज्म देखे कि किसके लिए कौन सा होगा। नेक्स्ट वन इज स्पीसीज इंटरेक्शन, इस पर भी क्वेश्चंस आपके, जो मेरी एनालिसिस रही कि 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक पे मिल जाते हैं, पैरासिटिज्म है, प्रीडेटर है ना, कॉमेंसलिज्म है, तो इस पर बढ़िया वो ग्राफ ऑफ बना के, बढ़िया टेबल बना के, इस तरीके से बढ़िया वाले क्वेश्चन इस पर बना के आपसे पूछ लेते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है बट इसको भी ज़रूर से प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट है आपका जो हार्डी वीनबर्ग लॉ है, इस पर भी न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में, प्लस इन पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ही बनते हैं, तो इस टॉपिक को भी आप ज़रूर से प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट हैमिल्टन रूल जो आपका है ना, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो हैमिल्टन रूल भी ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। ये सारे टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे लिए हैं इन सभी से क्वेश्चंस आपके बहुत रिपीटेडली आए हैं, अगर आप PYQ एनालाइज करेंगे हर बार आपको क्वेश्चंस इन सभी टॉपिक से मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैंने लिया है लोटका वोल्टेरा कॉम्पिटिशन मॉडल, इससे भी आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ये टॉपिक भी आप प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 13, जो इसको मेथड्स इन बायोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें हम लोग जीन क्लोनिंग टेक्निक और जो आपकी बायोफिजिकल स्टेटिस्टिकल टेक्निक है वो सब पढ़ते हैं। इसमें भी मैंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स चूज़ करे हैं, ऑल दो बहुत सारे टॉपिक्स आपके टेक्निक पोर्शन में भी हैं, बट जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिए हैं इनको आपको ज़रूर से पढ़ना है। पहला रिस्ट्रिक्शन मैपिंग, खूब न्यूमेरिकल्स आते हैं, खूब क्वेश्चंस आते हैं रिस्ट्रिक्शन मैपिंग के। अभी लास्ट एग्जाम में मॉर्निंग शिफ्ट या एक शिफ्ट में आपको 14 नंबर का क्वेश्चन केवल केवल रिस्ट्रिक्शन मैपिंग से दिया गया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर से आपको पढ़ के जाना, जितने PYQs हैं उनको खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंसी कॉन्सेप्ट, एज ए वेक्टर हम ए ट्यूमीफेसेंस को क्यों यूज़ करते हैं, है ना, कैसे ट्रांसजेनिक बनाने में ए ट्यूमीफेसेंस को यूज़ करते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आपको ए ट्यूमीफेसेंस से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। नेक्स्ट मैंने लिया है, अभी इस पर अगर आप PYQs को देखें तो अभी जो आपके डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं, लाइक जिनके थ्रू हम लोग जीन एक्सप्रेशन को चेक करते हैं, लाइक रेस है आपका, S1 एक्सटेंशन मेथड है आपका, S1 एंडोन्यूक्लियस मैपिंग है, इन सभी पे भी खूब क्वेश्चंस आपके बनते हैं 4 मार्क्स में भी, प्लस जेल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी बढ़िया उन्होंने डिजाइन किए हैं। तो जितने भी मेथड्स हैं इन सभी को यहाँ पे आप रीड कर लेना, चाहे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल का मेथड हो या फिर आपका ट्रांसलेशन लेवल का मेथड हो, तो इन दोनों टाइप के मेथड्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपकी जितनी भी बायोफिजिकल टेक्निक्स हैं उन पे भी फोकस करते हैं, अभी चाहे स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, माइक्रोस्कोपी हो, NMR हो, इन सब पे भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो इस टॉपिक को भी आप टेक्निक वाले पोर्शन में अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आई होप मैंने सभी टॉपिक्स आपको बता दिए, और प्लीज़ इनको ज़रूर से पढ़िएगा। अगर आप PYQs एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा आप चीज़ें करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये सारे एरियाज ऐसे हैं जिनसे बहुत रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल भी इन टॉपिक्स को स्किप नहीं करिएगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ज़रूर इन टॉपिक से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना, अगर आप 17 फरवरी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, टॉपिक्स को रिवाइज करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं ये वीडियो। बहुत ही जल्दी मैं कुछ और नए वीडियोज़ के साथ आपके लिए आऊँगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।